हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये दोनों साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया 1952 में, और इसी एक्सपेरिमेंट से फाइनली एकदम प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट के लिए हर्शे चेज ने यूज़ किया वायरस T2 फाज, यानी फाज वायरस, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, और उन्होंने लिया इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, T2 फाज वायरस इकोलाई बैक्टीरिया को अटैक करता है। हमें लाइटिक साइकिल तो पता होगा, लाइटिक साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरिया के ऊपर आके वायरस ऐसे बैठ जाता है, फाज वायरस बैठ जाता है ऐसे, है ना। अच्छा, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है हेड रीजियन में। जेनेटिक मटेरियल ही वायरस के बॉडी से बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, और आने के बाद इस बॉडी के अंदर बहुत सारा वायरस बना देता है, और उसके बाद बहुत सारा वायरस जब बन जाता है उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाता है, मतलब बर्स्ट हो जाता है और वायरस बाहर निकल जाता है। तो ये है वायरस का या फज वायरस का रिप्रोडक्शन का प्रोसीड्योर या लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल के लिए वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल को एंटर करवाता है। ठीक है, इसी के ऊपर, इसी मतलब इसी के बेस करके ये एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप किया था हर्शे और चेज ने। देखिए, तो ये जो T2 फज है, T2 फज का बॉडी में दो ही चीज़ पाया जाता है, एक होता है DNA, और बाकी इसका जो ये कैप्सिड मान लो या टेल शीट या टेल फाइबर जो भी मान लो, बाकी पूरा जो कोटिंग है वो है प्रोटीन। मतलब T2 फज के बॉडी में DNA और प्रोटीन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब DNA में रहता है फॉस्फोरस, ठीक है, DNA में फॉस्फोरिक एसिड रहता है ना, फॉस्फोरस। प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, और प्रोटीन में कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे मिथियोनिन या सिस्टीन, उसमें पाया जाता है सल्फर डीएनए में पाया नहीं जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखो। डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है जो प्रोटीन में नहीं मिलता है, प्रोटीन का कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स में सल्फर पाया जाता है जो डीएनए में पाया नहीं जाता है। अब यहाँ पे हर्शे चेज ने फॉस्फोरस का एक रेडियो आइसोटोप यानी 32P यूज़ किया, और सल्फर का एक रेडियो आइसोटोप यानी 35S यूज़ किया। ये दोनों हैं रेडियो आइसोटोप, मतलब ये लोग रेडियो एक्टिविटी शो करता है, रेडियो आइसोटोप। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। अब देखो कैसे ये एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेज ने किया। हर्शे चेज ने क्या किया, दो टाइप का T2 फज वायरस को बनाया, मतलब एक टाइप को उन्होंने टैग किया 32P यानी हेवी आइसोटोप, सॉरी रेडियो आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस से, और एक ग्रुप ऑफ T2 फज को टैग किया 35S या रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर से। ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो सपोज ये एक कल्चर मीडियम है, ये एक कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम में फॉस्फोरस जो लिया गया वो है सिर्फ 32P, मतलब रेडियो आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का सोर्स इस कल्चर मीडियम में कुछ भी नहीं है। और एक कल्चर मीडियम बनाया जिसमें सल्फर का जो सोर्स है वो है रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर यानी 35S। अब इसमें इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, अब इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो करेगा मतलब उसका रिप्रोडक्शन होगा, तो उसके लिए इसका भी जो मटेरियल से सब सिंथेसिस होगा, तो वो जो एनवायरनमेंट में रहेगा वही से वो ये सब मटेरियल्स लेगा। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उसका एनवायरनमेंट में तो सिर्फ फॉस्फोरस का रेडियो आइसोटोप है, तो ये 32P ही कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बॉडी में जितना भी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट होगा वो होगा रेडियो आइसोटोप ऑफ फॉस्फेट। अब ऐसे बैक्टीरिया को नॉर्मल T2 फज से अटैक करवाया, नॉर्मल T2 फज। अब ये फज का जो DNA है वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आके इसका कॉपी बनेगा बहुत सारा, और यहाँ से जो बहुत सारा T2 फज बनेगा, देखिए कैसा इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट है। ये जो
बैक्टीरिया के अंदर जितना भी T2 फज का नया जेनरेशन बनेगा उसके अंदर जो डीएनए होगा वो डीएनए में फास्फोरस कहाँ से आएगा? वो फास्फोरस तो ये बैक्टीरिया के बॉडी से आएगा। अब बैक्टीरिया के बॉडी में फास्फोरस कहाँ से आएगा? उसके एनवायरनमेंट से आएगा या कल्चर मीडियम से आएगा? कल्चर मीडियम में तो 32P है, तो 32P से ये जो नया T2 फज बन गया, ये सब टैग हो गया ना, इसका डीएनए इसमें 32P चला गया ना, ठीक है। तो ऐसे 32P वाला एक सेट ऑफ T2 फज बनाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, ऐसे T2 फज आया, अटैक किया, इसका डीएनए इसके अंदर गया, यहाँ से डीएनए भी सिंथेसिस हुआ और प्रोटीन भी सिंथेसिस हुआ। ये जो कैप्सिड बनता है, ये जो टेल फाइबर बनता है, टेल शीथ बनता है, इसमें प्रोटीन्स रहता है ना, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर लेना पड़ेगा। ये सल्फर कहाँ से लेगा? ये बैक्टीरिया के बॉडी से। बैक्टीरिया के बॉडी में सल्फर कहाँ से आएगा? कल्चर मीडियम से। कल्चर मीडियम में कौन सा सल्फर है? रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर। तो ये सल्फर चला गया, ये जो नया T2 फज का जो न्यू जेनरेशन बना ये बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ पे जो प्रोटीन से, जो कैप्सिड में जो प्रोटीन से, तो वो टैग हो गया 35S से। अब हर्शे और चेस के हाथ में दो तरह का T2 फज है। एक T2 फज है जो 32P से टैग्ड है, मतलब T2 फज के जो डीएनए है उसका जो फॉस्फोरस है वो है रेडियो आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस। और एक ग्रुप ऑफ T2 फज है जिसका जो प्रोटीन कोट है वो टैग किया गया 35S या रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर से। अब उन्होंने क्या किया, अब इन दोनों ने फ्रेश बैक्टीरिया को अटैक करवाया ये जो टैग्ड T2 फज है उससे। सपोज ये रहा एक इकोलाई, ये रहा दूसरा इकोलाई, इस इकोलाई को अटैक करवाया पहले सेट ऑफ T2 फज से जिसका डीएनए जो है वो 32P से टैग किया गया है या लेबल किया गया है, और इस इकोलाई को अटैक करवाया जिस T2 फज से उसका कैप्सिड या प्रोटीन जो है वो 35S से टैग्ड या लेबल्ड है, ठीक है। अब लाइटिक साइकिल सभी को पता है कि वायरस का, वायरस तो पूरा बैक्टीरिया के अंदर आता नहीं है, इसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही इसके अंदर आता है। तो जेनेटिक मटेरियल चला गया इसके अंदर, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल चला गया इसके अंदर, मतलब बाहर क्या पड़ा रहता है? बाहर सिर्फ प्रोटीन कोट पड़ा रहता है ना, बाहर सिर्फ प्रोटीन कोट पड़ा रहता है जिसको कहते हैं घोस्ट, ये तो पता होगा, चलिए वो सब छोड़िए। तो बाहर सिर्फ इसका कोट रह गया, अंदर आ गया जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है पता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो मिक्सचर बन गया इसको सेंट्रीफ्यूज किया, मतलब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ये पूरा इन्फेक्शन को लेके, मतलब बैक्टीरिया वायरस का जो मिक्सचर है सबको लेके सेंट्रीफ्यूज किया। अब देखो वायरस और बैक्टीरिया में किसका वेट ज़्यादा है? बैक्टीरिया तो साइज में बहुत बड़ा होता है, उसको बहुत सारे वायरस अटैक कर सकता है, तो बैक्टीरिया का वेट ज़्यादा होगा। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो सेंट्रीफ्यूज से जो जिसका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे आ जाता है ना, नीचे, यहाँ पे भी नीचे आ गया, मतलब नीचे क्या आएगा, वो वायरस का कोट आएगा या बैक्टीरिया आएगा? ऑब्वियसली बैक्टीरिया आएगा। और ऊपर जो जमता है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद नीचे जो जमता है उसको कहते हैं सेडिमेंट, ये है सेडिमेंट, और ऊपर होता है सुपरनेटेंट, यहाँ पे भी सेम सेडिमेंट, यहाँ पे हुआ सुपरनेटेंट। अब यहाँ पे जो वायरस से अटैक करवाया था उसका डीएनए टैग था, याद कीजिए, यहाँ पे 32P से लेबल्ड था ना, तो यहाँ पे देखा गया कि रेडियो एक्टिविटी जब चेक किया तब देखा कि सेडिमेंट पोर्शन से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है सेडिमेंट से। यहाँ पे देखा गया सुपरनेटेंट से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो मालूम है कि यहाँ का डीएनए जो है वो टैग्ड या लेबल्ड है, तो यहाँ पे सेडिमेंट में से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, मतलब नीचे तो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, इसका मतलब बैक्टीरिया में वायरस का कौन सा पोर्शन एंटर किया,
वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर किया। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए एंटर किया इसलिए सेडिमेंट से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए सुपरनेटेंट से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है। यहाँ पे जो वायरस से बैक्टीरिया सॉरी वायरस या T2 फज से अटैक किया गया, वो T2 फज का जो प्रोटीन्स था वो तो लेवल था 35S से। अब यहाँ पे सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, मतलब वायरस का जो पोर्शन बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया उसमें से रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है। तो बाहर कौन सा पोर्शन रह गया? प्रोटीन। यहाँ पे तो प्रोटीन लेवल था, तो ऑब्वियसली इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑब्वियसली डीएनए है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तो यहाँ पे अंदर जाके डीएनए ही रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, तो हर्शे चेस के एक्सपेरिमेंट से एकदम ठोस सबूत मिल गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले भी, मतलब आवेरी मैकलियोड और मैकर्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद भी बहुत सारा साइंटिस्ट का मानना था कि वो एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा नहीं है, प्रोटीन ही शायद जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एकदम ठोस सबूत है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।